आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने चैनल पर डेली वीडियोस को अपलोड करते हैं और साथ में वो अपने चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस को बना करके अपलोड करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करते हैं और जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उस पर वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, लेकिन उनके चैनल पर व्यूज़ ही नहीं आ पाते हैं। या ऐसा हो सकता है कि पहले उनके वीडियोज़ पर बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते थे लेकिन अभी के टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वो वैसे ही क्वालिटी कंटेंट बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि अगर आप अपने चैनल पे कर रहे हैं तो आप इसे करना बंद कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी कर लिया है वो तो इसे बंद ही कर दें, तभी जा करके उनके चैनल पर व्यूज़ आना शुरू होगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला गलती होता है वो होता है बहुत सारे वीडियोज़ को एक साथ अपने चैनल से डिलीट करना, या हो सकता है कि एक और दो वीडियोस को अपने चैनल से डिलीट करना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके चैनल पर 2000 3000 4000 व्यूज़ आते हैं, और ऐसे में बीच में क्या होता है कि कोई ऐसा वीडियो होता है जिस पर 1000 या 500 व्यूज़ आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हैं कि ऐसे कंडीशन में आप उस वीडियो को YouTube से डिलीट कर देते हैं 12 या 24 घंटे बाद। तो जब आप अपने चैनल से उस वीडियो को डिलीट करते हैं तो YouTube के पास एक सिग्नल जाता है कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या कमी था जिसकी वजह से इसने अपने चैनल से ये वीडियो डिलीट कर दिया, क्या इसने कोई मिस्टेक किया था। और इस वजह से YouTube क्या करता है कि आपके चैनल का जो इम्प्रेशन होता है वो डाउन कर देता है, और जब इम्प्रेशन डाउन कर देता है तो अगला जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर व्यूज़ जाना बंद हो जाते हैं या धीरे धीरे से कम होते होते बिल्कुल ही कम हो जाता है। मान लीजिए कि आप कभी कर देते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक आध वीडियो कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद आप उस वीडियो को डिलीट ना कीजिए। मैंने भी ये कहीं ना कहीं गलती किया था और अभी के टाइम पर मेरे भी व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कि स्पॉन्सरशिप आपको स्टार्टिंग डेज में बिल्कुल नहीं करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके चैनल पर 10,000 20,000 डेली के व्यूज़ आते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आप एक स्पॉन्सरशिप कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उस स्पॉन्सरशिप वाले वीडियो को आपके व्यूअर्स पहले ही जान जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आपके वीडियोस को वो लोग नहीं देखते हैं या बहुत कम लोग देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि YouTube के पास एक सिग्नल जाता है कि आखिर इसके इस वाले वीडियो को लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि YouTube आपकी वीडियो का इम्प्रेशन तुरंत डाउन कर देता है, और धीरे धीरे से आपका इम्प्रेशन डाउन होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका वीडियो स्टॉप हो जाता है। तो जब तक आपका चैनल थोड़ा बड़ा नहीं बन जाता है आप अपने चैनल पर स्पॉन्सर ना करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर भी बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आता था लेकिन हमने बीच में एक दो स्पॉन्सर कर दिया था जो कि बहुत ज़्यादा मुझे इमरजेंसी था, पैसे चाहिए थे, और इस वजह से मैंने यहाँ पर स्पॉन्सर कर दिया और इसकी वजह से हमारे व्यूज़ डाउन हुए, और अब देखिए हमारे चैनल पे बहुत कम यानी आधे यहाँ पर व्यूज़ हमारे डाउन हो चुके हैं। पॉइंट नंबर हम 3 की बात करते हैं तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मिक्स कंटेंट। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पर स्पेशली आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं क्योंकि YouTube पर इम्प्रेशन वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है इसकी वजह से व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आज उन्होंने देखा कि ये वाला ट्रेंड चल रहा है, जैसे मान लीजिए उनका टैग वीडियो है लेकिन उनके वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो देख रहे हैं कि वो अपना घर दिखा रहा है तो व्यूज़ आ रहा है, तो वो भी अपना घर दिखाना शुरू कर दे रहे हैं, और ऐसे में क्या हो रहा है कि वो अपने कैटेगरी से हट जा रहे हैं, उनके चैनल पे मिक्स कंटेंट आ जा रहा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। क्योंकि जब आप मिक्स कंटेंट को अपलोड करते हैं तो ऐसे में आपका कुछ टाइम ऐसा होता है जब व्यूज़ आता है लेकिन एक टाइम के बाद उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है और आपके चैनल पर व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं, और धीरे धीरे से करके यूट्यूब के पास एक सिग्नल जाता है कि पहले इसके वीडियोज़ लोग देखते थे अब नहीं देखते हैं, यानी ये बेकार वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से आपका इम्प्रेशन डाउन और आपका चैनल डेड हो जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि आप में से बहुत सारे लोग ये करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके चैनल पर एक वीडियो वायरल हो गया कि YouTube वीडियो कैसे अपलोड करें, तो जब आपके व्यूज़ डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जब आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आता है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप बार बार उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी ऑडियंस बोर हो जाती है और उनके मन में बैठ जाता है कि ये 3-4 वीडियो के बाद यही वीडियो अपलोड करेगा, और इसकी वजह से वो आपके वीडियोस को कहीं ना कहीं देखना बंद कर देते हैं और दूसरे क्रिएटर का वीडियो देखना शुरू कर देते हैं।
तो आपको अपने चैनल पर एक ही टाइप के वीडियोस को हमेशा नहीं बनाना होता है। आप देखिए, जैसे कि आज आपने बता दिया कि YouTube चैनल कैसे बनाएं, तो एक या दो महीने बाद आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाना होता है। अगर आप व्यूज़ के चक्कर में बार बार उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो मान लीजिए 1, 2, 10 आपका वीडियो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। और अगर आप सेम टाइटल पर बार बार अपने वीडियोस को बनाते हैं, सेम टाइटल को डालते हैं, तो आपके मोनेटाइजेशन में भी आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि YouTube वहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप सेम टाइटल पर वीडियो बनाते हैं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज भी कर दिया जाएगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो सेम टाइटल पर आपको बार बार वीडियो नहीं बनाना होता है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि आपको अपने चैनल का प्रमोशन नहीं करवाना होता है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले कमेंट करते थे, आज भी आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि विकास भाई आप हमारे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारे चैनल के बारे में बोल दीजिए, इससे क्या होगा कि हमें सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, YouTube पर जनता कमाई जाती है और खरीदी जाती है। अगर आप कमाते हैं तो आप डेली वीडियोस को अपलोड करेंगे तो वो देखेंगे, लेकिन अगर आपने खरीदा होगा तो वो 1 या 10 वीडियो देखने के बाद आपके चैनल को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगा जिसकी वजह से वो आपको सब्सक्राइब किए होंगे। तो इसीलिए आपको अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाना होता है, और कभी भी प्रमोशन के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि मैं अगर बोलूँगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे दोस्त का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप क्यों करेंगे? और मान लीजिए अगर आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और आपने कर भी लिया, तो आप उसके वीडियोस को बहुत कम चांस है कि वो देखेंगे। तो इसीलिए आपको बस हार्ड वर्क करना है और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने हैं। जब आपके चैनल पर आपके कंटेंट वायरल होने से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा देखेंगे और आपको व्यूज़ डाउन और चैनल डेड होने जैसा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि अपने वीडियोस को बार बार खुद से नहीं देखना होता है। देखिए, जब भी आप अपने चैनल पर अपने वीडियोस को खुद ही देखते हैं तो ऐसे में YouTube के पास एक सिग्नल जाता है कि ये अपने वीडियोस को बार बार देख रहा है, मतलब ये अपना कमाई बढ़ा रहा है। और मान लीजिए कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और अपने वीडियोस पर बार बार क्लिक करके देखना, मतलब इनवैलिड क्लिक को बढ़ावा देना। YouTube को ऐसा लगता है कि आप इनवैलिड क्लिक कर रहे हैं, मतलब अपने वीडियोस पर अपने मन से वहां पर क्लिक करके और अपने वीडियोस को बार बार देख रहे हैं ताकि आपके व्यूज़ बढ़े, वॉच टाइम बढ़े या आप पैसे ज़्यादा कमा पाएँ। तो इनवैलिड क्लिक अगर आपके चैनल पर होता है, खुद के फ़ोन से अगर आप खुद का वीडियो देखते हैं, तो ऐसे में आपका इंप्रेशन डाउन कर दिया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो में आते हैं और वीडियो में जो भी कंटेंट होता है दे करके चले जाते हैं, ना वो लाइक के लिए बोलेंगे, ना कमेंट के लिए और ना शेयर के लिए। तो देखिए, जो लाइक और कमेंट होता है अगर आपके वीडियो पर ज़्यादा आता है तो YouTube को ऐसा लगता है कि ये वीडियो बेस्ट है और इस वजह से लोग इसे लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, ये आपका इंप्रेशन बढ़ाने में बहुत मदद करता है लाइक और कमेंट। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो अपने वीडियो के लास्ट में या बीच में आपको बोल देना है कि वीडियो को लाइक करके और साथ में एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टार्टिंग में ही बोलते हैं लाइक शेयर कमेंट के लिए, तो ये इरिटेशन होता है, लोगों को देखने में इरिटेट होते हैं लोग। तो आपको स्टार्टिंग में नहीं बोलना है, आप या तो एंडिंग में बोल दीजिए या तो कंटेंट के बीच में आप बोल सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब अपना चैनल वो स्टार्ट करते हैं तो वो अपने दोस्तों में अपने वीडियोस को शेयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि शेयर नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं आपको शेयर करना चाहिए। देखिए, जब आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते हैं तो मान लीजिए अगर आप एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस को बनाते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपका दोस्त आपकी वीडियो को देखे, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी या कोई पढ़ाते हैं या कोई वैसा वीडियो बनाते हैं तो ऐसे में चांस 99% है कि वो आपकी वीडियो को नहीं देखेगा। और मान लीजिए कि यारी दोस्ती में उसने आपकी वीडियो को क्लिक तो किया लेकिन उसने पूरा नहीं देखा, क्लिक करते ही उसने कट कर दिया, तो ऐसे में YouTube को ऐसा लगेगा कि ये वीडियो ख़राब था और इस वजह से लोग इसे क्लिक कर रहे हैं और उन्हें पता चल जा रहा है कि ये वीडियो ख़राब है और वो कट कर दे रहे हैं, तो ऐसे में YouTube खुद ही आपकी वीडियो का इंप्रेशन डाउन कर देगा। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में अपने दोस्तों में यारों में नहीं शेयर करना है, आपको उन्हीं लोगों को अपने वीडियोस को शेयर करना है जो कि सच में आपके टॉपिक से इंटरेस्टेड हो। अगला जो हमारा पॉइंट है, ट्रेंडिंग वीडियोस को बनाना। देखिए, YouTube पर जितने भी वीडियोस वायरल होते हैं या जितने भी चैनल ग्रो करते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है ट्रेंडिंग वीडियोस को बनाना।
जब आप अपने चैनल को ओपन करते हैं तो आपके सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, तो इसीलिए आपको उस टाइम पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना है ताकि आपका जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में जा सके और उस पर व्यूज आए, और कोई ऐसा वीडियो होगा जो वायरल हो जाएगा और उससे आपके चैनल पर लोग जुड़ जाएंगे और उसके बाद आप कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उस पर व्यूज आएंगे। तो स्टार्टिंग डेज में आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करना होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है कि आपको डे बाय डे अपने वीडियोस में सुधार भी करना है। अगर आप आज बिना माइक के वीडियो बना रहे हैं तो कल आपको माइक के साथ वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा बोलने के तरीके पर, एडिटिंग पर, थंबनेल डिज़ाइन पर, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, इन सभी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपको SEO भी अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब अपलोडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका चैनल कभी भी फ्रीज नहीं होगा, और अगर आपका चैनल फ्रीज हो गया है तो इन सब गलतियों की वजह से ही होता है, इन्हें आप बंद कर दीजिए, आपका चैनल पे दोबारा से व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप करूंगा कि आपको पता चल गया होगा, और अगर आप इनमें से कोई भी गलतियां कर रहे हैं तो वो करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप YouTube पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और अपना एक प्यारा सा फीडबैक हमें शेयर कर दीजिए ताकि हमारे भी वीडियो का इम्प्रेशन बढ़ सके, इंगेजमेंट बढ़ सके और ये वीडियो वायरल होके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।